नमस्कार, जोहार, आदाब। क्लीन न्यूज संथाल परगना में आपका स्वागत है। आप जानेंगे खबर पूरे संथाल परगना से। राष्ट्रीय युवा दिवस पर आप सभी को बधाई। खबर गोड्डा से। टायर दुकान में लगी आग, 1,00,000 का नुकसान। सदर प्रखंड के पाड़ोबथान में सोमवार को एक टायर दुकान में आग लग गई। 1,00,000 से अधिक की संपत्ति जलकर राख हो गई। घटना की सूचना पाकर अग्निशमन वाहन मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया, साथ ही आग के फैलाव को रोका गया। इधर गैरेज मालिक अलाउद्दीन अंसारी ने शंका के आधार पर एक व्यक्ति पर आरोप लगाते हुए थाना में आवेदन दिया है। झार क्राफ्ट के पास बुनकरों का 4,00,000 बकाया। खबर गोड्डा के पोड़ियाहाट से है। एक और केंद्र सरकार स्किल इंडिया के माध्यम से आम लोगों को रोजगार के साथ जोड़ने की मुहिम चला रही है, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार की कार्यप्रणाली से हजारों बुनकर परिवार पलायन को विवश है। पोड़ियाहाट प्रखंड के मुर्गाबनी गाँव में पिछले 4 साल से बुनकरों का तकरीबन 4,00,000 झारक्राफ्ट के पास बकाया है। इन बुनकरों का कंबल निर्माण के एवज में झारक्राफ्ट की ओर से मजदूरी भुगतान नहीं किया गया है। कोरोना संक्रमण काल में 26 जनवरी मेला पर लगा ग्रहण। गोड्डा में 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र पखवाड़ा समारोह व लगने वाला मेला इस बार ग्रहण लग सकता है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस में ध्वजारोहण छोड़ बाकी अन्य कार्यक्रम होने की संभावना कम ही दिख रही है। वहीं दूसरी ओर मेला मैदान में लगने वाले 26 जनवरी मेला को लेकर अब तक किसी तरह की तैयारी होती नहीं दिख रही है। यही हाल कृषि प्रदर्शनी का भी है, जहां आधी अधूरी व्यवस्था के साथ तैयारी शुरू की गई है। यहां भी कर्मी संशय में स्थिति में है। गोड्डा की सनसनीखेज न्यूज। झारखंड के गोड्डा में अपराधियों ने दुकानदार पर चलाई गोली, आक्रोशित लोगों ने अपराधियों को धर पीटा। गोड्डा नगर थाना क्षेत्र के गोड्डा पीरपति मार्ग पर सोमवार की रात लूट के प्रयास में गोली चली। गोली चलने से बर्तन दुकानदार कुंदन कुमार घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान अपराधी को भी लोगों ने पीटा। पिटाई में अपराधी बुरी तरह घायल हो गया। घायल अपराधी का इलाज भी सदर अस्पताल में किया गया है। घटना रात 8 बजे की बताई जा रही है। उपराजधानी दुमका से सड़क पर गड्ढे, गर्त में जान व जीविका। देवघर दुमका HH 114 पथ पर दुमका से महारो के बीच 7 किलोमीटर की सड़क पर 70 से अधिक गड्ढे हैं। इनमें से कई जानलेवा हैं। दुमका से तकरीबन 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जूनियर कैम कलम ने सुपर किंग्स को हराया। तारकेश्वर चौबे मेमोरियल जिला क्रिकेट लीग टूर्नामेंट में सोमवार को ATM ग्राउंड में खेले गए मैच में जूनियर कैम कलम ने दुमका सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराकर अगले चक्र में प्रवेश किया। दुमका सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते फैसला लिया। जूनियर कैम कलम ने गेंदबाजों के आगे दुमका सुपर किंग्स बल्लेबाज बेबाज नजर आए और पूरी टीम 21.3 ओवर में 123 रनों पर सिमट गई। दुमका रांची चाईबासा में 30 पक्षियों की मौत। झारखंड में मचा हड़कंप। झारखंड के विभिन्न जिलों में पक्षियों की मौत का सिलसिला जारी है। सोमवार को राजधानी रांची, उपराजधानी दुमका और चाईबासा में लगभग 2.5 दर्जन पक्षियों की मौत हो गई। रांची में 2, दुमका में तकरीबन 1 दर्जन, जबकि चाईबासा व जगन्नाथ में मृत 16 पक्षियों की मौत हो गई। इन पक्षियों को कौओं की संख्या सर्वाधिक है। इसमें इतर, मुर्गा, मैना और बगुले की मौत हुई है। हालांकि बर्ड फ्लू से पक्षियों की मौत की पुष्टि अभी नहीं हुई है। देवघर से स्वामी विवेकानंद को बाबा बैद्यनाथ से मिलती थी ऊर्जा। शिकागो जाने से पहले और लौटकर आने के बाद की थी आराधना। शिकागो धर्म सम्मेलन के माध्यम से दुनिया भर में भारतीय अध्यात्म और दर्शन की विजय पताका फहराने वाले स्वामी विवेकानंद का बैद्यनाथ धाम देवघर से भी गहरा नाता है। स्वामी जी शिकागो के धर्म सम्मेलन में जाने से पहले और सम्मेलन से लौटने के बाद यहाँ भी आए थे। शिकागो से लौटने के 2 साल बाद 1899 में जब वो देवघर आए थे, तब पंडा स्वर्गीय हरिचरण मिश्र के निर्देश में उन्होंने ज्योतिर्लिंग की पूजा की थी। स्वर्गीय हरिचरण मिश्र के परपोते दुर्लभ मिश्र बताते हैं कि स्वामी जी के साथ उनके परदादा ने भ्रामक मंथन भी लिया था। देवघर आकर पूजा करने के बाद स्वामी विवेकानंद ने पंडा की पोथी में अपने विचार लिखकर हस्ताक्षर किए थे। वह पोथी आज भी पंडा परिवार ने धरोहर के रूप में सहेज कर रखा है। जमुई का यह युवक नौकरी छोड़ जरूरतमंद की मदद के लिए घर घर मांग रहे हैं भीख।
जरूरतमंदों की सेवा एक ऐसा जुनून की पिछले 12 वर्षों से सूर्य वत्स भिक्षाटन कर रहे हैं। सूर्या बताते हैं कि नरेंद्र नाथ दत्त मानवता की सेवा के लिए संन्यास लेकर स्वामी विवेकानंद बने, इसी कारण विवेकानंद उनके आदर्शों में एक है। उन्हीं से प्रेरणा लेकर उन्होंने भी जरूरतमंदों की सेवा करनी शुरू की। इनका रहन सहन भी अजीब है, गांधी जी तरह धोती से पहनते हैं, औरतें हैं गांव में चप्पल पहनते हैं। सूर्या घर घर जाकर अनाज और वस्त्र आदि मांगकर उन्हें गरीब फुटपाती लोगों को बांट देते हैं। इसके पास कार्य का दायरा जमुई जिले के अलावा झारखंड देवघर तक फैला हुआ है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने किया यह दावा, सच हुआ तो 15 साल तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकेगी कांग्रेस। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने राज्य में सत्ता की राजनीति को लेकर एक बड़ा दावा किया है। कृषि मंत्री के दावे से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत उनकी पार्टी झामुमो के नेता कार्यकर्ता गदगद होंगे, लेकिन कृषि मंत्री की अपनी ही पार्टी कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता शायद ही सहमत हो। कृषि मंत्री का दावा ऐसा है, अगर पूरा हो गया तो अगले 15 साल तक झारखंड की राजनीति में कांग्रेस अपने पैर पर खड़ा नहीं हो पाएगा। मंत्री के बयान पर झारखंड की राजनीति में खूब चर्चा हो रही है। जामताड़ा से ना सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा ना ही खेलकूद प्रतियोगिता होगी। कोविड-19 से उत्पन्न समस्याओं के बीच जिले में 72वां गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान वर्षों की परंपरा रही सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेलकूद भी कोरोना के चलते आयोजित नहीं होगा। सोमवार को डीसी कार्यालय के सभागार में उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज ने गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी बैठक को संबोधित करते हुए बताया कि बैठक में डीसी व एसपी दीपक कुमार सिन्हा ने बिंदुसार समीक्षा की। दूसरे दिन गुहाल पूजा के साथ लट खेल का प्रदर्शन हुआ। जिले में आदिवासी बहुल इलाकों में सोहराय की धूम है। नारायणपुर प्रखंड की बरियरपुर, अर्जुनडी, रघुनाथपुर, पहाड़पुर, जबरादहा, इचलीझर, रानीडी आदि गाँव में सोहराय पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। 9 जनवरी को नहाय खाय से पर्व प्रारंभ हुआ था, कहीं दूसरे दिन तो कहीं तीसरे दिन के तहत सोमवार को गुहाल पूजा हुआ। कुंडहित में बाल श्रम पर नहीं लग रही है रोक। कुंडहित प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांव में ईंट भट्टा में बाल मजदूरों से काम कराया जा रहा है। कोरोना महामारी के कारण मार्च 2020 से सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय बंद होने के कारण अधिकतर स्कूली बच्चे ईंट भट्टों में अपना श्रम दे रहे हैं। अभिभावक भी पैसे के खातिर उन्हें नहीं रोक रहे हैं और काम पर डेली भेज रहे हैं। पाकुड़ से कांग्रेसियों ने लाल बहादुर शास्त्री को किया नमन। पाकुड़ शहर के कांग्रेस भवन में सोमवार को देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि मनाई गई। जिला अध्यक्ष उदय मकरमानी, ओबीसी जिला अध्यक्ष अमीर हमजा, जिला सचिव कृष्ण यादव सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। कार्यकर्ताओं ने लाल बहादुर शास्त्री से बताए मार्गों पर चलने के संकल्प लिया। जिला अध्यक्ष ने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से हम लोगों को सीख मिलनी चाहिए। खबर साहेबगंज से, जिले में धूमधाम से मना वीर शिबु सोरेन का जन्मदिन। झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबु सोरेन का जन्मदिन सोमवार को जिले भर में धूमधाम से मनाया गया। जगह जगह झामुमो कार्यकर्ताओं ने केक काटकर गरीबों के बीच फल और कंबल का वितरण किया। जिला मुख्यालय से झामुमो जिलाध्यक्ष शाहजहां अंसारी के नेतृत्व में गरीबों के बीच फल व कंबल का वितरण किया गया। मौके पर सुरेंद्र यादव, सुरेश शाह, बारिश अंसारी, नीरज कुमार, शाहरु रजा आदि लोग मौजूद थे। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।